हेलो एवरीवन, आज मैं जो डाई आपको बताने वाली हूँ वो बालों के लिए बहुत अच्छी है और वो एक नई डाई है। और इसमें जो सामान मैं यूज़ कर रही हूँ मैंने आपसे पहले कभी यूज़ नहीं किया है और आज मैं उसको पहली बार यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो सामान और इसमें है वो मैंने यूज़ किया है, पर लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आज की जो डाई बना रही हूँ उसको मैं खुद यूज़ करूंगी अपने ऊपर। तो मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी है, जो सामान मैं इसके अलावा यूज़ कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली जो मैं इसमें आज डाल रही हूँ तो वो भी बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बालों की एक हर्ब्स है और बालों की हर्ब्स आप आंख बंद करके यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बालों के लिए कहीं ना कहीं आपके बालों को बहुत अच्छा असर छोड़ती है, बहुत अच्छा कलर देती है, आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करती है। तो आप प्रॉब्लम खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा। आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए, हर डाई में यूज कीजिए, हर बार यूज कीजिए, फेस पर, आपके बालों में, आपके हर, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा जेल यूज कीजिए। आप इसको खा सकते हो, जो भी आपको करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम को, पूरी बॉडी की हमारी 95 प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन है ये एलोवेरा जेल। तो इसको कैसे बनाना है डाई को मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अनार के छिलके लिए हैं, उनको सुखा करके रखा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ ये। और ये जो मैंने लिया है इसमें मैंने, ये मेरा आंवला शिका का ही है, ये मैंने कॉफी लिया है, ये एलोवेरा जेल है, इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब मेहंदी ली है। और ये एक हर्ब्स है, इसका नाम जिनसेंग है। और ये मैंने एक्चुअली मुझे मैं कल शॉप में गई थी जहाँ पर हर्ब्स मिलती है, तो स्टोर में, तो उन्होंने बोला ये हर्ब्स बालों के लिए बहुत अच्छी है, इसका नाम जिनसेंग है। और ये इसका मैं इसको क्या पाउडर उनके पास नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया है, हर्ब्स को तोड़ करके ऐसे ही पानी में बॉईल किया है, अनार के छिलके और ये जिनसेंग जो हर्ब्स है वो, उसमें आंवला शिका काई डाला है और उसको एक मैंने पानी में बॉईल किया है। जैसे कि मैंने इतना इतना कर इतना आधी जैसे ये आधा बॉल के करीब मैंने आंवले के जो अनार के छिलके हैं जो उसका पाउडर डाला है, और मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब अपना आंवला शिका काई का पाउडर डाला है, क्योंकि आंवला शिका काई का पाउडर मेरे पास पाउडर ही है, जो उसका मोटा मोटा आंवला शिका काई, तो वो सब मैंने उसको छान वान करके सब बॉयल करके यूज कर चुकी हूँ। तो मैंने पानी में ये 2 से 3 चम्मच के करीब आंवला शिका काई का पाउडर डाला है और अपना आधा बाउल के करीब आंवले के अनार के छिलके का पाउडर डाला है। और ये मैंने जिनसेंग की पूरी एक इतनी बड़ी डाली थी दो, तो उसको तोड़ करके, ये बहुत मुश्किल से टूटी है, बहुत सूखी है, तो मैंने इसको, क्योंकि ये बहुत हार्ड है तो ये जल्दी से, ये देखिए टूट गई है, और तो ये बहुत हार्ड होती है, तो इसको क्या किया मैंने, 2 ग्लास पानी के करीब रखा था मैंने इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि इसको बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है, ये सब चीज़ें तो जल्दी हो जाती हैं, बाकी जो जिनसेंग है ये बहुत मुश्किल से बॉयल होती है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको पानी में जैसे 2 गिलास के करीब आपने पानी डाला है, और 2 गिलास के में जब आपको आधा गिलास के करीब रह जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसको अपना कलर छोड़ने में, तो जब आधा गिलास के करीब पानी हो गया तो फिर मैंने उसको छान लिया। और छानने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बॉयल होने में, तो इसलिए मैं पानी रेडी करके रखी हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका पानी रेडी करके रखा हुआ है, तो अब मैं इसी में ही ये मेहंदी जो है अपनी हिना तैयार करूँगी। ये देखिए इसी में करूंगी, और इसमें, इसके अलावा मैं इसमें 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालूंगी। मैंने एलोवेरा जेल भी रात ही रेडी किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़े झाग झाग आ जाते हैं, तो ये जल्दी से नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए। देखिए अब मुझे क्या करना है, इसी में ही अपने, और इसमें मैं कॉफ़ी डाल देती हूँ, ये जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैं अपने थंबनेल में जिनसेंग की पिक्चर भी लगा दूंगी, क्योंकि लोग पूछते हैं कि दिखाओ कैसी होती है, कैसी होती है, तो इसका पाउडर भी मिल जाता है। तो एक्चुअली मैं जहाँ से हर्ब्स लेती हूँ तो वो भैया बता देते हैं कि क्या क्या हर्ब्स अभी आई हुई हैं मार्केट में, क्योंकि मैं हमेशा वहीं से ही लेती हूँ। तो कुछ अब क्योंकि वहाँ से लेने लगी हूँ, तो उनको भी पता चल गया कि मैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो बता देते हैं कि ये बालों के लिए है, ये वाली इसके लिए है। और वैसे भी मैं यूज़ कितनी सारी तो हर्ब्स ऐसी हैं जो मैं पहले से यूज़ करती थी, कितनी मुझे बाद में पता चली है, जब मैं डालने लगी तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा कलर छोड़ती हैं बालों में। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे लगता है इसके अंदर ये चीज़ है, तो ये बालों के लिए ज़्यादा अच्छी है, इस ये हमारी बालों की ये वाली प्रॉब्लम है, इससे बाल गिरते हैं, तो फिर ये जिस वजह से बाल गिरते हैं वो कौन सी उसमें हर्ब्स में मुझे मिलेगी, वो वाली चीज़ें, तो उस हिसाब से मैं फिर उनको ढूंढती हूँ, ढूंढने के बाद फिर उनको मैं यूज़ करती हूँ ला करके, फिर मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत ही मुश्किल काम होता है ये। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं, कि जब आप कोई काम करने लग जाते हैं तो आदमी को सब पता चल जाता है, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो तो आपको फिर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों में इतनी लगन हो जाती है, तो आपको ये लगता है कि आप खुद ही ढूंढने लग जाते हो, खुद ही आपको ये लगता है कि अभी हम ये सोचे कि ये किस प्रॉब्लम से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस वजह से ये हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को ही हम खत्म कर दें। तो बहुत ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लगन हो जाती है एक काम करने की, तो वैसे ही हम लोगों को भी हो जाता है अभी।
तो अभी जो मैं डाई अभी बना रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छी है बालों के लिए, बालों को बहुत अच्छा कलर देती है। और आप इसको शुरू शुरू में थोड़ा जल्दी यूज कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी यूज करोगे आप तो थोड़े से आपके बाल क्या है बालों को कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वाइट बाल जब होते हैं तो वो जल्दी से वो एकदम से डार्क कलर नहीं रहते उनके, क्योंकि आप क्या करते हो कि एक बारी में नहीं होता है, तो आपका जब शुरू शुरू में थोड़ा जल्दी लगाओगे तो बाल थोड़े डार्क हो जाएंगे आपके। तो फिर आप बेशक चाहे थोड़ा 15-20 दिन में या महीने में लगा लीजिए, लेकिन शुरू में आपको हफ्ते हफ्ते में लगानी पड़ेगी। और अगर आप घर में रहते हो तो आप 3-4 दिन में भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी क्या है गर्मियां आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हीना लगाने में, हीना में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बालों को हार्म करें। तो इसीलिए आप इसमें, अगर आप किसी को लगता है कि बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है, हेडेक हो जाती है हीना लगाने के बाद, तो आप इसमें थोड़ा सा ना पान चाय की पत्ती का पानी डाल लीजिए। चाय की पत्ती बालों को कलर भी अच्छा देती है, और आपके बालों को आपकी मेहंदी जो आपकी ठंडी है बालों में, तो वो आपके बालों को ठंडक भी नहीं लगेगी इतनी पहुंचाएगी आपके आपके स्कैल्प में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नुकसान नहीं करेंगी मेहंदी में अगर आप डालोगे। तो ये डाई बहुत अच्छी है, तो आप जब इसे यूज़ करोगे तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितनी डिफरेंट है। और साथ में आपको एक काम और करना है, जब आप डाई लगाते हो तो आप आंवला जरूर खाइए या त्रिफला पाउडर जरूर खाइए, क्योंकि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है वो, बालों को आपको जल्दी से वाइट नहीं होने देगा। तो आप ऊपर से आप कलर लगा लीजिए बालों में, लेकिन आप अंदर की कमी जो है आपकी वो खाने से बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आपको डाई 100% तब असर करती है जब आप उसको थोड़ा खाओगे, उसमें जो डाली गई है जो हर्ब्स, जैसे आंवला, जैसे कि शिकाकाई, तो आप बालों में लगाते ही हो तो आप खा नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे त्रिफला पाउडर है, ठीक है, त्रिफला पाउडर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है लगाने के लिए, खाने के लिए भी। तो कुछ चीज़ें, आंवला आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, सबसे बड़ी बात है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ब्लैक बनाता है। तो आप जब डाई ऊपर से लगाते हो तो कम से कम उसमें जो एक चीज़ है हर्ब्स आंवला, तो उसको आप खा सकते हो। आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, आंखों के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत आयरन होता है उसमें, विटामिन सी होता है। तो उसके लिए आपके बालों को क्या वाइट नहीं होने देगा जल्दी से, और डाई आपके बालों को, आप ऊपर से उसको आप बालों को पूरा कलर कर ही रहे हो, तो वो आपको डबल इफेक्ट होता है उस चीज़ का, खाने से भी और लगाने से भी। तो आगे से आपके बाल क्या होंगे, जल्दी से वाइट नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं कि आप ऐसी डाई बताइए जो जल्दी से बाल वाइट ना हो, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप आंवला साथ में खाइए, तो आपको क्या है 2 से 3 महीने में खुद ही फर्क अगर महसूस लगने लग जाएगा जब आप डेली खाओगे। तो अगर आप कभी कभी खाओगे तब नहीं, डेली खाओगे तो आपको खुद ही 2 से 3 महीने लगेंगे, और फिर आप कहोगे कि हाँ अभी हमारे जो बाल आ रहे हैं वो रूट से थोड़े ब्लैक हो रहे हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैंने आजमाया है। तो ये बहुत ही अच्छी डाई है, आप इसको जरूर यूज़ कीजिए और यूज़ करके बताइए ये कैसी लगी। और इसमें ये थोड़ी नई डाई है, क्योंकि मैं आज जो सामान यूज़ कर रही हूँ उसमें एक चीज़ बिल्कुल नई है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप इसे यूज़ जरूर कीजिए और यूज़ करके बताइए ये आपको डाई कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू।